हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज मैं आपके लिए वीडियो में एक और ऐसे पेशेंट की इमेजेस लाई हूँ जिन्होंने हमारा सिर्फ एक महीना ट्रीटमेंट लिया है और उनका सोरासिस ऑलमोस्ट 60-70% रिलीव्ड है। आप इमेजेस में देखेंगे ट्रीटमेंट से पहले उनका क्या हालत था और अभी ट्रीटमेंट के बाद उनके क्या रिजल्ट्स हैं, तो आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा और अपनी बीमारी से लड़ने की ताकत, शक्ति, सेल्फ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस आप हासिल करेंगे जिससे आप अपने सोरासिस को बीट कर सकते हैं और अपनी सफरिंग्स हटा सकते हैं, उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे फ्रूट्स और फूड जिनको आप अपने डाइट में ऐड करें जो सोरासिस से फाइट करते हैं और जो चीज़ें आपको सोरासिस में और एग्रावेट करेंगी, सोरासिस को और बढ़ाएंगी, वो कौन सी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने सोरासिस को ठीक करने के लिए। पहली सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं गार्लिक। गार्लिक एंटी इन्फ्लेमेशन होता है क्योंकि सोरासिस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्किन की स्केल्स बनने लगते हैं, तो आप गार्लिक को ऐड करके अपने इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। आप अपने फूड में स्पिनच, ब्रोकली, स्वीट पोटैटोज ये सब ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो। और आपको जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो होती हैं नाइटशेड वेजिटेबल्स जैसे टोमेटोज, पोटैटोज, और जो अवॉइड करने की चीज़ है आजकल जो सीजन में बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है मैंगोज। मैंगोज अगर आप खाएंगे तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगा, आपको जॉइंट पेन भी होगा और आपका सोरासिस भी एग्रावेट करेगा। और साथ ही पेपर्स, आपको ये चीज़ें खासकर अवॉइड करनी है ताकि आपके सोरासिस में एग्रावेशंस ना आए और आपकी इन्फ्लेमेशन ना बढ़े। और चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जैसे ब्राउन राइस और ग्लूटन फ्री जो आप फूड खाते हैं जिसमें वीट कम हो, जिसमें मक्का कम हो, जिसमें फुल ग्रेन कम हो, मीन्स अगर आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, आप कार्ब को अवॉइड कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है आपका ब्लड शुगर रिलेशनशिप बढ़ता है और आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। तो आपको जोड़ों में दर्द जो इस सीज़न में सोरासिस पेशेंट्स को बहुत हो रहा होगा क्योंकि बारिश भी है, मौसम भी बदल रहा है और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन का कंप्लेंट रहता है, तो इन चीज़ों को आप अपने डाइट में डालें, आप अपने डेली रूटीन में डालें, स्पेशली स्क्वैश, कैरेट, स्पिनच, ब्रोकली एंड गार्लिक, लीफी वेजिटेबल्स जितनी हो सकती हैं आप लें, तो उससे आपका सोरासिस कम होगा। और अगर आप एल्कोहलिक हैं या आप फिश, रेड मीट, एग्स ज़्यादा लेते हैं तो उनको प्लीज़ आप अवॉइड करें। और स्पेशली मैंने ये इस सीज़न के लिए बताया है, इस सीज़न में अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपका सोरासिस कम होगा। और अगर आप सोरासिस से जूझ रहे हैं, सोरासिस से तकलीफ़ में हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, हम आपको एक सही गाइडेंस और एक सही क्योर बताते हैं बिना स्टीरॉइड्स के। तो आप हमें अपनी इमेजेस भेज सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सोरासिस से छुटकारा पा सकते हैं। एंड आई नो सोरासिस पर्सनली और जो समाज है सोशली बहुत एम्बैरेसमेंट होता है, सोशली ज़्यादा एम्बैरेसमेंट मैं बोलूँगी कि बाद में फेस करना पड़ता है, पहले सोरासिस की जो पर्सनल सफरिंग है वो ही अपने आप में बहुत बड़ी है। वो आपके सारे ऑर्गन्स भी डीअरेंज कर देता है, ऑर्गन के फंक्शंस डीअरेंज कर देता है, आपका लिवर डिस्ट्रॉय कर देता है, आपको लिटरली आप प्रॉपरली खड़े होकर वॉक भी नहीं कर सकते हैं, इतना खुजली, जलन और उन स्केल से परेशान हो जाते हैं। मैंने पेशेंट्स का पेन देखा है, तो अगर आप उस पेन से हैं और आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, हम आपको एक सही गाइडेंस और सही क्योर देते हैं। बस आपको जैसे ये पेशेंट्स मैंने इमेजेस शेयर करी हैं इस वीडियो में, उनकी तरह डाइट और मेडिसिंस हमारे अकॉर्डिंग खानी होती हैं। और आप इन इमेजेस से थोड़ी सी प्रेरणा लीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए और अपने सोरासिस से लड़िए और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करें। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगेगा और आप
स्माइल करेंगे कि यस, कोई होप है जो सोरासिस को जड़ से ख़त्म कर सकता है और आप ठीक हो सकते हैं, और इन चीज़ों को फॉलो करिए और हमें कॉन्टैक्ट करें, हमसे कंसल्टेशन लें, हमें कॉल करें, हमें इमेजेस भेजें और अपने सोरासिस के लिए एक सही क्योर लीजिए. सो थैंक यू एंड टेक केयर.